देखो ये बच्ची पढ़ाई कर रही है, सीखो इससे कुछ। जारा का बैग जरा सा ही है। आज मैं डायरेक्टली मेरा इंट्रो जो मेरा वर्क प्लेस है ना, ऑफिस है ना, वहाँ के बैथरूम से कर रही हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? लगता है अभी अभी कोई पॉटी करके गया, इतनी बदबू आ रही है यहाँ पे। प्लीज कमेंट में मुझे बताना कि आपको मेरा ऑफिस आउटफिट फैशन कैसी लगी। तो जस्ट अभी मेरी मॉर्निंग की शिफ्ट खत्म हो गई, हम जैकेट वगैरह पहनते, सबको टाटा बाय बाय बोलते और यहाँ से निकलते हैं। By the way, ये वाला quote कितना मस्त है, जीतने वाले कभी नहीं हारते और हारने वाले कभी नहीं जीतते। Let's go. Bye. ये रहे मेरे जूते। मुझे इंडिया का पता नहीं लेकिन यहाँ पर मैं ऑफिस में जूते नहीं पहनती, नॉर्मल कम्फर्टेबल चप्पल पहनती हूँ। कुछ पंखे मिल गए यहाँ पे। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू टू। यार मुझे बहुत भूख लग रही है अभी। यहाँ पर बच्चा लोग फुटबॉल खेल रहे हैं यहाँ पर, और बीच रोड में वो रही फुटबॉल। यार ऐसे कैसे गाइस, मोटरसाइकिल लेकिन खड़ी हुई है तो इतना मजा नहीं आएगा। By the way, आज मैंने सनस्क्रीन और लिपस्टिक के अलावा कुछ भी नहीं लगाया, तो मैं मेकअप इस बैग के अंदर लेकर आई हूँ। लेकिन मेकअप करने से पहले मुझे इतनी भूख लग रही है, तो जो परी बगैत है ना, यहाँ से कुछ पेस्ट्रीज वगैरह या ब्रेड लेते हैं। ये लास्ट वाला बचा है तो ये वाला लेते हैं। ये बच्चे यहाँ भी आ गए बॉल लेते लेते। अरे यार वापस रोड पर पहुँचाना। एक्चुअली आज मेरा कोई इंटेंशन नहीं था व्लॉग बनाने का, लेकिन मैंने सोचा कि शुभा का बर्थडे, तो क्यों ना हम कोई कॉफ़ी शॉप में जाए जहाँ पर उसके बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से इस कॉफ़ी शॉप से ये पर्पल वाली ड्रिंक लेंगे। यहाँ पर बाहर टेक अवे करते हैं लेकिन हम अंदर आराम से बैठेंगे। देखो ये बच्ची पढ़ाई कर रही है, सीखो इससे कुछ। तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, हैप्पीनेस आपके हाथों में होती है, लेकिन मेरे हाथ तो खाली हैं। अभी ये सैंडविच खाते हैं। तो ये है सैंडविच रोल और इसके अंदर अलग अलग घास फूस है। गिर गया, गिर गया, मैं तो सो बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं ऑफिस में व्लॉग करूं, लेकिन गाइस मुझे ऑफिस में व्लॉगिंग के पैसे नहीं देते, काम करने के पैसे देते हैं। वाह 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 वाह, मेरे बॉस ये देख के बहुत खुश होंगे। अभी हम थोड़ा मेकअप पोट लेते हैं। तो ये है मेरा मिनी शीशा, और अगर आप यहाँ पर ऐसे दबाओगे ना तो ये कंघी भी आ जाती है। ये है पिंपल पैचेस, कोई फायदे के नहीं है कि पिंपल अभी का भी यहीं रहा और यहाँ पर भी रहा, क्योंकि आज शुगा का बर्थडे है, इस पिंपल को हम बुलाएंगे सुगलेश। ये है ब्लश। ये जो बच गया है इसको लिपस्टिक की तरह यूज करेंगे। ड्रिंक पूरी हो चुकी है और अभी हम जाएंगे जवानों के अड्डे में, क्योंकि वहाँ पर कुछ मस्त चीजें हैं बीटीएस से रिलेटेड जो कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। गाइस अभी हम फाइनली जवानों के अड्डे में पहुँच चुके हैं। काफी टाइम हो गया मैंने आपको जवानों के अड्डे की शक्ल नहीं दिखाई। ये रही आज के पहले कपल। यहाँ पर मैं शुगा का फोटो कार्ड ढूंढ रही हूँ। इनमें से आप किस किस को पहचानते हो प्लीज मुझे कमेंट में बताना। सुंदर सुंदर लकड़ियाँ। आपकी बड़ी बहन होने के नाते से मैं आपको आशीर्वाद देना चाहती हूँ। ब्लेस यू गाइस। ये बताना कि आज का व्यू कैसा लगा आपको। कम ऑन गाइस, इस वीडियो को लाइक कर दो। इतना अच्छा स्टोर दिखाने के लिए एक लाइक तो बनता ही है ना। इतना घूमने के बाद में मैं सोच रही हूँ कि एक ग्लास कॉफी का हो जाए। गाइस मेरे सामने देखो कितने सारे लोग हैं, और मैं यहाँ पे आराम से स्टैंड रखकर व्लॉगिंग कर रही हूँ। जवानों के अड्डे में जवानों के अलावा जो सबसे फेमस चीज है ना वो है ये वाली स्ट्रीट। लगता है इसने फ्लावर्स यहाँ से खरीद के दिए होंगे।
सवाल है, हैव यू एवर ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ के-पॉप स्टार? तो यहाँ पर आपको जवाब देना है यहाँ पर चलकर, यस मे बी या नो। ऑनेस्टली मेरा कोई ऐसा सपना नहीं था, तो मैं नो पर जाऊंगी। तो जैसे आप अंदर जाते हो ना, यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं ना, वो चेंज हो जाता है। जिसका भी नाम यहाँ पर लिखा हुआ है ना, वो सारे ख्वांगजू को बिलोंग करते हैं। शुगा नहीं है, लेकिन जे होप से काम चलाना पड़ेगा। बाय द वे, मेरे साथ एक बहुत बड़ा पोपट हुआ, कोई नई बात नहीं है। इस कॉफी शॉप में मैं जाने वाली थी ना, वो बंद हो गया है। ये मेरे साथ नहीं हुआ तो किसके साथ होगा। और यहाँ पर आपको जो अलग अलग के-पॉप स्टार के जो हैंड प्रिंट्स होते हैं ना, वो वाले मिलेंगे। मुझे पता है कि वो कॉफी शॉप क्यों बंद था, क्योंकि जो मैंने मोटरसाइकिल देखी थी ना आज सुबह, वो रुकी हुई थी। अगर चलती हुई मोटरसाइकिल होती तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता मेरे साथ। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीदी मोटरसाइकिल की स्टोरी क्या है, तो मैंने पहले सोचा था कि जब 10 मिलियन हो गए ना तब मैं बताऊंगी, लेकिन वो तो नमकीन होने वाला है। तो मैंने सोचा कि जब मेरे 5 मिलियन हो गए ना, तब मैं आपको वो स्टोरी बताऊंगी। गाइस अभी मैं ज़ारा में आई हूँ, और इससे पहले कि कोई मुझे कमेंट में गाली देना, मैं यहाँ पर सिर्फ कपड़े रोस्ट करने के लिए आई हूँ। उर्फी जावेद को ज़ारा पर कॉपीराइट स्ट्राइक मारना चाहिए, क्योंकि देखो शर्ट लग रही होगी, लेकिन शर्ट नहीं, ये एक जीन्स के नीचे एक शर्ट टाइप में स्कर्ट बना रखी है। बिचारी ना पैंट रही, ना शर्ट रही, ना स्कर्ट रही। शर्ट पहनने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ज़ारा का बैग जरा सा ही है, इससे बड़ा तो मेरा थोबड़ा है। बाय द वे, शाउट आउट उस बंदे को जो कि अपनी बॉयफ्रेंड नहीं, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड, मतलब कि बॉयफ्रेंड हो भी कोई बात नहीं, लेकिन जो अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ या सिस्टर या मम्मी का बैग पकड़ के रख रखा है। ज़ारा में ऐसी छेदों वाली स्वेटर ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। ये वाली शर्ट नॉर्मल दिख रही है, लेकिन टेलर ने एक बहुत बड़ी गलती की है। उसने गलती से एक नेकलेस यहाँ पर स्लीव्स पे सील दिया, एक और छेदों वाली स्वेटर। मेरा ज़ारा का कॉन्टेंट तो बन गया, तो अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं और कोई दूसरा कॉफी शॉप ढूंढते हैं जहाँ पर होपफुली शुगा का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा हो। रस्ते में मुझे ये क्यूट ग्रैंडमा मिल गई, जो कि मुझे बता रहे थे कि उनकी डॉटर को कैंसर है और वो उनसे मिलने जा रही है। और मुझे ना हमेशा ऐसे सैड सा लगता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो यूजुअली लोनली फील करते हैं। तो मैंने उनसे 5-10 मिनट बातें की। ग्रैंड माँ को बाय बोलने के बाद में मैंने टैक्सी ली नेक्स्ट कॉफी शॉप में जाने के लिए, जहाँ पर होपफुली शुगा का बर्थडे इवेंट सेलिब्रेशन होगा। गाइस ये रहा वो कॉफी शॉप। गाइस गेस करो, यहाँ पर भी जो इवेंट था ना, वो सारा खत्म हो गया। इवन तो इवेंट खत्म हो गया, मुझे बुरा लग रहा था ऐसे खाली हाथ वापस चले जाना, तो मैंने दूध ऑर्डर कराया। मुझे लगा नॉर्मल दूध होगा, लेकिन ये ग्रीन टी मिल्क है। इसकी डिजाइन कितनी सुंदर है। और प्लीज मुझे कमेंट में बताना आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। और बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मैं मेरा ये दूध ग्रीन टी वाला दूध खत्म करके घर पर जाऊंगी, थोड़ा आराम करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पिछले वाले ब्लॉग में मुझे फ्री फंडे का पैनकेक मिला, और इस बार मुझे ये वाली कॉफी। अभी इनको वापस रख के आ जाते हैं। कैसे रखूं इनको? जाते हैं। गाइस बाय द वे, मेरे पास 3 हाथ हैं।